Assalamualaikum everyone, how are you? I hope so you all will be fine and I'm also fine. अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं किचन में इस वक्त मौजूद हूँ। तो आज मैं अभी अपना लंच बना रहा था। लंच वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक हमारा नहीं आया क्योंकि थोड़ा टाइम है, घंटा तकरीबन, लेकिन हमारे पास रात का जो है ना वो खाना बचा हुआ था। उन्होंने भेजे थे बर्गर और उसमें थी उसके अलावा नगेट्स वगैरह थे, चिकन बाइट्स, तो हमने वो खा लिए थे। और इस वक्त मैंने बर्गर बनाया, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बर्गर बनाते हैं। तो लेट्स गो जी। तो ये रहा बर्गर का बन मेरे पास, और उसमें मेरे पास मायोनीज़ है और हॉट केचप है और केचप सॉस सिंपल है। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी से मिलती हैं और ये हम पाकिस्तान से लाए थे। मिसाले बहुत सारे हैं, उनमें से एक मसाला ये भी है, ये स्पाइसी ज़्यादा होता है, इसलिए ये डालें तो आपको नमक मिर्च वगैरह सब नहीं डालना पड़ता, सब कुछ इसी में होता है। और इसके अलावा ये एक टमाटर मैं लाया हूँ, ये भी हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। और ये देखें, ये एक्स्ट्रा केचप और मेयोनीज़ था। और ये है वो जो उन्होंने हमें चिकन बाइट्स और नगेट्स दिए थे, हमने उनका कीमा टाइप बना दिया सारा, उन्होंने टमाटर वगैरह मसाले डाल के। और ये पनीर है, अब मैंने इसको करना है गरम और फिर उसके मैंने बन में डाल के बन बनाना है, तो बर्गर बनेगा मेरा। बाकी सब ने तो खा लिए हैं, मैं अब खाने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि उन्हें आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ होता नहीं है। तो आज मैंने कहा लेट्स गो विद इट। जी तो अब मेरा बर्गर हो गया है तैयार। तो मैंने कहा डायरेक्ट क्यों दिखाऊं, पहले आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले थे। फर्स्ट तो मेरा एक बन था जो प्रिपेयर था, उसके अलावा मायोनीज़ थी और केचप था। पहले मैंने उसको सारा केचप और मायोनीज़ की लेयर्स पे लगा दी, उसके बाद मैंने जो मसाला था तैयार किया वो उसको मैंने गर्म कर दिया और उसमें पनीर डाला था। और फिर उसको मैंने फिर उसकी लेयर्स लगा दी, उसके ऊपर दोबारा मायोनीज़ और केचप, और उसके बाद मैंने मसाला डाला जो मेरे पास था, और फिर टमाटर रख दिया। और बहुत ही खूबसूरत डिश बनाई है मैंने, लुक भी बहुत अच्छा आया। तो लेट्स मैं आपको दिखाता आया है ना टेस्ट। इसको तो मैं ऐसे ही खा सकता हूँ सीधा केक बना के, मुझे इसको एक ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है बन को, क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास मसाले की कमी भी नहीं थी, आराम लग रहा अच्छा खासा था। तो कैसा बना है आप लोगों ने कमेंट में बताना है। और ये है हमारी हॉस्टल लाइफ। बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझसे माइग्रेशन के हवाले से भी कि आपका खाना कैसा होता है। ओवरऑल हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि मुझसे अर्दबील वर्ग ने पूछा है तो उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैंने हमसे कहा था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी पर वीडियो भी बनानी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊँगा। तो हमारे यहाँ ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना बहुत अच्छा मिलता है, टाइम पे मिलता है, कोई मैनेजमेंट की तरफ से मसले मसाइल नहीं। छुट्टी वाले दिन हमारा खाना एक साथ ही आ जाता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन यूनिवर्सिटी और मैस बंद होता है, तो हमें एक साथ चीज़ें दे देते हैं जो पैक्ड चीज़ें होती हैं, जो बाजारी होती हैं, पैक्ड होती हैं लेकिन बनानी खुद होती हैं। तो ये देखिए ये वाला सीन है कुछ। आई होप सो कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे पास इतना चीज़ें होती नहीं, तो आज से लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कल परसों से कि आइंदा मैंने कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाते रहना है। तो ये आज मैं बर्गर बनाने जा रहा था, तो मैंने कहा कि उन्होंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। सो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसा है बना है। और इसके अलावा मज़ीद आप मुझे टिप्स एंड ट्रेन बता दे सकते हैं कि चीज़ों को मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए कैसे कैसे किया जा सकता है चीज़ों को मॉडिफाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।